क्या बात है बच्चों, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो तुम लोग। देखिए ना, ये पेड़ सूख गया है। हाँ, ये तो पेड़ बिल्कुल सूख गया है। आप लोगों ने पानी नहीं डाला था इसमें? डाला था। और खाद डाली थी? हाँ। फिर भी सूख गया? हाँ। क्या कारण हो सकता है इसका? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। ये पौधा आपने बलुई मिट्टी में बो दिया है। हाँ, अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उसी में उसको बोया जाता है, उसी में वो उगती है। अलग प्रकार, अलग पौधा। भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप विस्तार से समझाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको मिट्टी के बारे में सारी जानकारी तो दे दूंगा। हाँ बच्चों, अब बताओ आप लोग क्या जानना चाह रहे थे? भैया हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये हम जो मिट्टी होती है, हम लोग ये मिट्टी के ही बारे में जानना चाह रहे थे। अच्छा तो ठीक है, मैंने बहुत सारी मिट्टी एकत्र कर ली है और आप लोगों के लिए मैं बताने के लिए लेके आया हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी है। देखिए ध्यान से, ये कैसी दिखाई दे रही है आपको? भैया ये तो बालू जैसी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक, ये बालू जैसी मिट्टी दिखाई दे रही है और इसीलिए इस मिट्टी को हम बलुई मिट्टी कहते हैं। बालू जैसी दिखाई देती है ना जी। तो क्या इस तरह की मिट्टी आपने कहीं देखी है? भैया नदी के किनारे। बिल्कुल ठीक, इस तरह की मिट्टी नदियों के किनारे अधिकतर पाई जाती है। और इसके बाद में हमने जो दूसरी मिट्टी एकत्र की है वो इसको देखिए, ये वाली मिट्टी कैसी दिखाई दे रही है आप लोगों को? भैया ये तो हल्के पीले रंग की है। बिल्कुल ठीक, देखिए ये हल्के पीले रंग की मिट्टी है और इस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी इसको कहते हैं। ये खेतों में अधिकांशतः हमारे खेतों में पाई जाती है। और इसके बाद जो हमने दूसरी प्रकार की जो मिट्टी एकत्र की है वो देखिए, ये देखिए ये वाली मिट्टी कैसी दिखाई दे रही है, छूकर देखिए इसे। ये तो चिकनी मिट्टी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चिकनी दिखाई दे रही है ना, और इसीलिए इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। ये हमारे तालाबों के आसपास अधिकतर पाई जाती है, तो इस मिट्टी को हम क्या कह रहे हैं? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको तीन प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। ये देखिए, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी। बिल्कुल ठीक। दोमट मिट्टी। बिल्कुल ठीक। और चिकनी मिट्टी। हाँ, तो ये इस प्रकार से तीन प्रकार की मिट्टियां हमने आपको बताई। जी ठीक। हाँ भैया, ये तो मिट्टी की बात हुई, मगर आप तो कह रहे थे कि अलग पौधों के लिए अलग मिट्टी होती है, इसका क्या मतलब? हाँ बिल्कुल ठीक, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पौधे ही उग सकते हैं। जी भैया, जैसे कि हमने आपको ये मिट्टी दिखाई थी, ये थी हमारी कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी थी, और इस मिट्टी में सभी फसल इसमें नहीं हो सकते हैं, हर प्रकार के पौधे इसमें नहीं उग सकते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें बलुई मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। और इसी प्रकार से ये हमने कौन सी मिट्टी बताई थी आपको? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बताई थी, तो इसमें कौन कौन सी चीजें बोई जा सकती हैं? गेहूं, चना, टमाटर, जौ, मसूर, मटर, ये सारी की सारी चीजें दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। और हमने तीसरी प्रकार की मिट्टी कौन सी बताई थी आपको? भैया चिकनी मिट्टी। हाँ देखिए, ये चिकनी मिट्टी हमने आपको बताई थी जी भैया। और इस चिकनी मिट्टी में धान, सनई, कपास, बरसीन, ये सारी की सारी चीजें चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से फलती फूलती हैं। तो इस तरह से हमने आपको तीन प्रकार के जो मिट्टियां बताई उसमें कौन कौन सी फसलें बहुत अच्छी तरह से उगती हैं,
इसके बारे में बताया। लेकिन बच्चों केवल मिट्टी से ही या खाद से ही हम पौधे नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्ष भर में अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं जी भैया। तो हर मौसम में अलग अलग प्रकार की फसल मिलती है। हर मौसम में? हाँ, जैसे मतलब कि हमारे पूरे वर्ष भर में गर्मी भी आती है जी बहुत गर्मी आती है, और जाड़ा भी आता है, हम लोग जाड़े में कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, और बरसात भी आती है, बरसात हमारी पूरे पानी पानी हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा विद्यालय कब से शुरू होता है ये बताइए? जुलाई में। जुलाई में, तो जुलाई से जो समय होता है वो बरसात का शुरू होता है। जुलाई में हमारा विद्यालय खुलता है तो वहीं पर हमारे बरसात शुरू होता है, तो उस समय एक फसल आती है और वो कुछ समय तक रहती है, उसके बाद हम काट लेते हैं। उसके बाद जो नवंबर आता है, नवंबर से जाड़ा शुरू होता है, तो जाड़े में विभिन्न अलग प्रकार की हम फसल बोते हैं जी भैया। और उसके बाद अप्रैल में फिर गर्मी आ जाती है, तो उसमें हम अलग प्रकार की फसल बोते हैं। तो हम आइए देखते हैं कि वर्ष भर में कौन कौन सी फसल बोते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। जैसे देखिए, आपका जुलाई में हमने बताया था कि बरसात शुरू होती है, और ये जुलाई से और नवंबर तक जी जो फसल बोई जाती है उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। जुलाई से नवंबर तक, कब से कब तक? जुलाई से नवंबर तक। हाँ, जुलाई में बोई जाती है और काटी कब जाती है? नवंबर में। नवंबर में काट ली जाती है, इसे खरीफ की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कहते हैं। और इसके बाद में जो फसल नवंबर में बोई जाती है उसे हम अप्रैल में काटते हैं, 4 महीने बाद, तो इस फसल को रबी की फसल कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसल। रबी की फसल। और जो अप्रैल में बोई जाती है उसे फिर हम जुलाई में काट लेते हैं, तो इस फसल को जायद की फसल कहते हैं। अब जो खरीफ की फसल है उसमें कौन कौन से हम पौधे उगाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जुलाई से नवंबर तक का समय होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है, तो हम ऐसे फसल बोते हैं जिसमें पानी अधिक जरूरत होती है। जैसे कि हमारा धान, धान होता है, धान आपने देखा है जी भैया कैसे लगाया जाता है भैया, खेतों में बो दिया जाता है। हाँ, पानी में बोया जाता है ना जी भैया, तो वो पानी अधिक चाहिए होता है, इसीलिए उसे बरसात में ही हम लगाते हैं। आइए हम अब चित्र के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल होती हैं। देखिए, आपको ये चित्र में धान का पौधा दिखाई दे रहा है और बाजरे का पौधा दिखाई दे रहा है जी भैया। कौन कौन से पौधे हैं ये? धान का और बाजरे का, दोनों पौधे हैं जी भैया। तो ये पौधे हमारे खरीफ के फसल के होते हैं। अब हम देखते हैं कि खरीफ के फसल में और कौन कौन से पौधे उगते हैं। देखिए, ये खरीफ की फसलें, इसमें धान, ज्वार, बाजरा, ये सभी उगाए जाते हैं। तो खरीफ की फसलें आपकी जो जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर में काट ली जाती हैं, और उन फसलों में धान, ज्वार, बाजरा आता है। कौन कौन से होती हैं फसलें? धान, ज्वार, हाँ, बाजरा। हाँ, तो ये मुख्य फसलें हैं जो खरीफ की फसल कहलाती हैं, और नवंबर में जो बोई जाती हैं और अप्रैल में जाकर के काटी जाती हैं जब जाड़ा शुरू होता है, तो इस समय ऐसी फसल होती हैं जिनका अधिक पानी की जिनमें जरूरत नहीं होती है, जैसे गेहूं और चना। गेहूं, चने, ये आपने देखा है ना? देखिए, गेहूं आपको ये देखिए, ये आपने गेहूं देखे हुए, आटा पिसा करके रोटी बनाते हैं, और चना देखिए, चने से अंकुरण होते देखा है चना आपने जी भैया। हाँ, ये चने हैं। तो ये फसलें हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। तो हम देखते हैं चित्र में कि कौन कौन से हमें पौधे दिखाए गए हैं। देखिए, इसमें आपको ये एक चने का पौधा दिखाया गया है जी भैया, और गेहूं की
बाली दिखाई दे रही है। तो ये जो फसल है ये आपकी फसल रबी की फसल है, और रबी की फसल में और कौन सी फसलें आती हैं ये आपको बताते हैं। देखिए ये रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सारी की सारी फसलें किसकी हैं? रबी की फसलें। और उसमें कौन कौन सी फसलें आ रही हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों। ये सारी की सारी फसलें रबी की फसलें होती हैं। और ये जाड़े में आती हैं। हैं? अब जाड़ा जब खत्म हो जाता है इसके बाद आपकी गर्मी शुरू होती है। तो आपके अप्रैल माह से फिर जुलाई तक के बीच की जो फसल होती है वो जायद की फसलें कहलाती हैं। तो अभी जैसे कि जायद की फसलों में आपके तरबूज आता है, गर्मी में तरबूज खाते हैं, तरबूज है, खरबूज है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी जायद की फसलों में आते हैं। तो हम चित्र में देखते हैं कि जायद की फसलों का चित्र ये देखिए, इसमें आपको खरबूज की एक बेल दिखाई दे रही है और तरबूज की एक बेल दिखाई दे रही है। जी भैया। तो ये जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। और जायद में और कौन कौन सी फसलें आती हैं देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जायद की फसलों में भिंडी है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये सारी की सारी फसलें आपकी जायद की फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती हैं? भिंडी, हाँ, करेला, हाँ, ककड़ी, हाँ, तरबूज, ये सारी की, हाँ, ये सारी की सारी जायद की फसलें कहलाती हैं। तो ये आपकी अप्रैल में बोई जाती हैं और इसके बाद में जुलाई में फिर से काट ली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा फसल चक्र है वो चलता है। तो फिर से जब जुलाई आती है तो फिर से हम जो है दूसरी फसल बो देते हैं, जिसको जो है हम खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमारी तीन फसलें हो गई, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, और तीन प्रकार की मिट्टियां हमने आपको बताई, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। भैया अब तो हमें हम लोगों को फसल और मिट्टी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अब अगली बार फिर अन्य विषय पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।